हाँ तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष फर्स्ट क्वेश्चन लग गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या है पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच किन के बीच खेला गया? आपके इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दोस्तों आपको बता दें, आपने यहाँ पर थंबनेल में जो जो एग्जाम देखे उनके लिए तो यह सीरीज इंपॉर्टेंट है ही, प्रैक्टिस सेट, लेकिन आने वाले जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं उनके लिए भी यहाँ पर 100% सक्सेसफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो कंप्लीट करा रहा हूँ, एंड आने की जो संभावना है वो यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। और दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस लिए हैं, आपका चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, आपका चाहे जियोग्राफी हो, भूगोल हो, इतिहास हो, आपका जीव विज्ञान हो, साइंस हो, आपका स्पोर्ट्स हो, खेल हो, एंड आपका सर करंट अफेयर्स हो, इन सभी चीज़ों से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप टेंशन ना लें, जितना लेवल आपके एग्जाम का है वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेट किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्ले होते हैं 4, 5, 3 और 6। तो दोस्तों आपको बताना है कितने छल्ले होते हैं ओलंपिक खेलों के प्रतीक में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? 1930 में, 1953 में, 1949 में, 1921 में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, तो दोस्तों आपको बता दें पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको सारे क्वेश्चन एज अ क्विज की भांति सॉल्व करना है ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, आप अपना नॉलेज परख सकें आप कितने गहरे पानी में हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको याद भी होगा और आप अपने आप को जांच पाएंगे। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन थी? अंजुल चोपड़ा, डायना एडुलजी, और आपका अंजुजन, और आपका चंद्र नायडू। आपको बताना है प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चंद्रा नायडू। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको बताना है दीपू घोष, बैडमिंटन अन लैम्सडन, हॉकी मीना शाह, और बैडमिंटन आपका शांता रंगास्वामी, क्रिकेट। तो दोस्तों आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अन लैम्सडन, हॉकी से संबंधित, है ना। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला है अन लैम्सडन, ओके, जो कि हॉकी से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच कहाँ के निवासी माने जाते हैं? आयरलैंड, ग्रीस, हॉलैंड, नीदरलैंड, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है डच कहाँ के निवासी माने जाते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जो डच हैं वो फैंस माने जाते हैं आपके हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन के उस पर नहीं जाना कि आप तीसरा कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने आपके लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो ये टेस्ट से आगे पीछे हो गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर निम्न में से कौन था? अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, अल्मीडा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर निम्न में से कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, अल्मीडा, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, या फिर आपका गुरु अर्जन देव ने। आपको बताना है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपके, गुरु अर्जुन देव ने, है ना। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों को बता दूं, मैं यहाँ पर आपका जो पॉलिटी का सेक्शन है, राज्य व्यवस्था का, वो कवर नहीं कराऊंगा इस टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने पॉलिटी ऑलरेडी आप लोगों की कवर करा दी है, आप बिल्कुल जा सकते हैं इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा सेक्शन CISF एंड आपका MPG के वाले सेक्शन में मैंने वो पार्ट्स डाले हैं आपके पॉलिटी के, तो उनको देख लेना। क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, पॉलिटी तो पॉलिटी रहती है, चेंज नहीं होने वाली, है ना। फ्रेंड्स वहाँ पे आप पॉलिटी कवर कर लें, यहाँ पे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इतिहास, भूगोल, आपका विज्ञान, आपका करंट अफेयर्स, और आपका विविध, ये सारे खेल एल वगैरह सारा कुछ कवर हो जाएगा। रही बात आपकी पॉलिटी की, तो आप वहाँ सेक्शन में जाइए, आपको 9 पार्ट अवेलेबल है पूरी पॉलिटी की, करीबन 350 क्वेश्चन है।
कर लेना याद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी निम्न में से कौन थी? अब बताइए दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया, महारानी जैन, और आपका बताएं निम्न में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? महारानी विक्टोरिया। जी हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 नामक ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? बी डी सावरकर, अशोक मेहता, आर सी मजूमदार, और आपका डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। आपको बताना है 1857 नामक ग्रंथ की रचना निम्न में से कौन ने की थी? 1857। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों लास्ट, मतलब कहने का डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारतीय अखिल किसान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में, 1936, 1937, 1938। आपको बताना है भारतीय अखिल किसान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका 1936, आपका 1936। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस स्थान में माना जाता है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, और आपका आंध्र प्रदेश। आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह किस स्थान में माना जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फैंस, है ना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहार। ओके आपके बिहार के चंपारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? महा विनिष्क्रमण, धर्म चक्र, प्रवर्तन, निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महा विनिष्क्रमण। ओके चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? नंद वंश, शिशुनांग वंश, हर्यक वंश, और आपका मौर्य वंश। आपको बताना है पितृहंता वंश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक को यामुनी धौला की उपाधि प्राप्त थी? इस्माइल, महमूद गजनबी, आपका सुबुक्तगीन, और नेक्स्ट आता है अल्पतगीन। आपको बताना है निम्न में से किस शासक को यामुनी धौला की उपाधि प्राप्त थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होने वाला है आपका बी, महमूद गजनबी। ओके महमूद गजनबी को यामुनी धौला की उपाधि प्राप्त थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन क्या कहलाता है? गौथिक शैली, हिंदू इस्लामिक शैली, इस्लामिक शैली, और आपका फारसी शैली। आपको बताना है मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हिंदू इस्लामिक शैली। फ्रेंड्स आपको बता दें, आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप देख रहे हैं तो दोस्तों इसको रिपीट करें बार बार, या फिर आप नोट्स बना लें, क्योंकि दोस्तों एक बार देखने से कुछ नहीं होता। यदि आप मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन लगाते हैं तो वो मेमोरी से जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, या तो वीडियो को आप दो तीन दिन के अंतराल से रिवीजन करते रहें, या फिर आप इनके नोट्स बना लें। और फ्रेंड्स ज़्यादा फास्ट ना देखें, क्योंकि जितने फास्ट आप देखते हैं उतने फास्ट आपकी मेमोरी से ये क्वेश्चन उड़ जाते हैं ना। तो इतने टाइप से ऐसे देखें कि हाँ आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह सकें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है आबाद हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फरुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? आपको यह क्वेश्चन शायद मैंने कराया है हिस्ट्री वाले टॉप 50 क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके ऑप्शन दिए हैं फारूक शियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, या फिर आपका शाह आलम द्वितीय। तो बताइए फ्रेंड्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध अंग्रेज के किस गवर्नर के नेतृत्व में हुआ था? हॉलवेल, आपका वेस्टिनटॉट, रॉबर्ट क्लाइव, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है प्लासी का युद्ध अंग्रेज के किस गवर्नर के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के। प्लासी का युद्ध आपका रॉबर्ट क्लाइव के गवर्नर के नेतृत्व में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? चैतन्य, कबीर, तुकाराम या फिर एकनाथ? आपको बताना है बीजक का रचयिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। हर किसी को पता होगा बीजक का रचयिता कबीर। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी, मुल्तान, अमृतसर या फिर रोपड़? आपको बताना है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तलबंडी में, है ना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलबंडी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? तीरथ सिंह, बुद्धू भगत या फिर सिद्धू एवं कान्हू या नेक्स्ट है बिरसा मुंडा? आपको बताना है संथाल विद्रोह निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, सिद्धू एवं कान्हू के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, युवा बंगाल आंदोलन के नेता यंग बंगाल मूवमेंट कौन थे? आपको बताना है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर आपका डेविड हेयर? तो बताइए दोस्तों आपके युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। इनको युवा बंगाल के नेता कहा जाता है। क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस सन में हुई थी? 1785 ईस्वी, 1786 ईस्वी, 1787 ईस्वी, 1784 ईस्वी? आपको बताना है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस सन में हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? 1862, 1863, 1864, 1861? आपको बताना है उच्च न्यायालय अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर फोर, 1861 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन है, 40 इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर या फिर लास्ट आपका देवेंद्रनाथ टैगोर? तो जल्दी से बताइए और कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं? झारखंड, गुजरात, ओडिशा। गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड? आपको बताना है क्या भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा और गुजरात, है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये आपका भूगोल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? फुलहर झील, कोलेरू झील, आंचार झील या फिर आपका हमीरसर झील? आपको बताना है भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, आंचार झील। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन, यहाँ पर रिपीट हो गया, सॉरी, 100 से 200 हो गया, 100 से 120 हो गया, 160 से 180 हो गया और 150 से आपका 200 हो गया। आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन का लगभग कितना होता है। तो दोस्तों जैसे कि बेहद इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा 100 से 120 दिन, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला आपका है क्वेश्चन है, ओके? तो बताना है आपको दोस्तों क्या है, 26 अप्रैल, आपका 26 मई, 26 जून और आपका 26 जुलाई? आपको बताना है कारगिल विजय दिवस। तो फ्रेंड्स आपका लास्ट ऑप्शन होगा 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25, आपका 15 जनवरी, 15 फरवरी, 25 जनवरी, 25 फरवरी? आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है आपका क्या, ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी, ओके? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को,
क्वेश्चन है, हिंदी की प्रसिद्ध कृति मधुशाला के रचनाकार हैं देवकीनंदन खनी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, हरिवंश राय बच्चन। आपको बताना है, आपका क्वेश्चन है हिंदी की प्रसिद्ध कृति मधुशाला के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर लास्ट, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आईसीसी ने रॉचिल हेओ फ्लिंट वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों एलिसा हीलो को, या फिर आपका सोफी एलस्टोन को, या फिर आपका स्मृति मंधाना को, नेक्स्ट है पूनम यादव को। आपको बताना है, आईसीसी ने रॉचिल हेलो फ्लिंट आप पुरस्कार से सम्मानित किसको किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है स्मृति मंधाना। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखे टॉप 35 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी इस वीडियो की सीरीज, यदि अच्छी आई हो तो दोस्तों आप इसको लाइक कर दें और शेयर्स अधिक से अधिक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स सजेशन देते रहें। टेक केयर।